नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं अपना डबल पोल टेलीस्कोपिक क्लॉथ रैक। आप देख सकते हैं हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया और आज ही ये डिलीवर हुआ है। हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं और देखते हैं इसमें कैसा निकलता है हमारा ये डबल पोल टेलीस्कोपिक क्लॉथ रैक। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये फ्लिपकार्ट से हमने मंगाया और अनबॉक्स कर रहे हैं। ये इसका बॉक्स है, देखते हैं अनबॉक्सिंग। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये तो फ्रेंड्स अब हम इनको निकालेंगे अपने पार्ट्स जो इसके हैं। ये इसकी शाफ्ट है जो इसका कनेक्ट करेगी और ये इसकी मेन स्पोर्ट्स है। ठीक है, हम इनको ऐसे लगाएंगे, एक ये और दूसरी ये, इस तरह से हम लगाएंगे। तो और इस तरह से और ये काफी है इसमें और ये कुछ इसके पार्ट्स हैं। तो हमने जो भी सारा इसका निकाल दिया है, इसको कंप्लीट अनबॉक्सिंग कर दी है हमने और अब डब्बा हम साइड में देंगे। तो फ्रेंड्स, ये 6 ये सिल्वर कलर की स्पोर्ट्स और 4 ये और 2 ये। तो अब हम जो मेन स्पोर्ट है उसको असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इनको असेंबल करना है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये असेंबल हो गए हैं। उसके बाद जो हमारी मेन है, मेन स्पोर्टिंग शाफ्ट है, 4 1 2 3 एंड 4। उसके बाद हमारे तो फ्रेंड्स, अब हम ये 3-way प्लास्टिक पार्ट्स जो है, देखिए इसको हम इस तरह से यहाँ पर लगाएंगे। अब ये देखिए, और हमने इसको 1 और इसके बाद इसमें यहां से ये कनेक्ट होगी। पहले हम इसको लूज करेंगे ऐसे और फिर ये देखिए आप, ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से हम इसको, ये एडजस्टेबल है, ये देखिए ये टोटली एडजस्टेबल है। यहां से ये इसकी डिजाइनिंग ही ऐसी की गई है। अब आप इसको यहाँ पर टाइट कर सकते हैं और इसके बीच में ये जो इसके ये स्पोर्ट लगेगी और हम दूसरी तरफ भी फिर ऐसी इसी तरह से असेंबली करेंगे। ये चीज जो है वो ऊपर और ये इसमें ऐसे जाएगी और ये देखिए, ये देखिए, और सेम फिर हम ये स्पोर्टिंग अनदर स्पोर्टिंग शाफ्ट लेंगे और इसमें इस तरह से इसको करके यहाँ से ये देखिए आप इसको, दिस इज ऑल्सो एडजस्टेबल। बाद में इसकी सेटिंग करेंगे ऊपर, ये हमने टाइट कर दी है। सिमिलरली हम यहाँ पर भी करेंगे जल्दी से, जिस तरह से हमने वहां किया था, एक यहाँ लगाएंगे, इसके बाद इसकी स्पोर्टिंग शाफ्ट लगाएंगे और यहाँ पर देखिए आप जैसे भी कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर भी हम ये 3-way कहाँ गया, 3-way जो हमारा है पार्ट है, ये 3-way प्लास्टिक पार्ट इसे कह सकते हैं। तो ये देखिए यार, ये पूरी तरह से हमारी असेंबली बन गई है और अब हम जो इसको है फिर से सेट करेंगे। हमारा थोड़ा सा ये नीचे से लूज था, फोर्थ वाली भी निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से, तो ये भी एडजस्ट हो गई, ये हम इसको अप डाउन जितना भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो ऊपर वाला ये इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार हो गया है और आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, टोटली एडजस्टेबल है। इसके बाद हम ये जो अपर पार्ट रह गया है, बस इसमें ये 2 शाफ्ट लगेगी, तो इसको भी कनेक्ट करते हैं 1 by 1।
तो फ्रेंड्स अब हम इसकी ये जो हमने लगाया है अब ऊपर वाली इसकी एडजस्टमेंट करेंगे और इसके साथ इसको अलाइन कर देंगे और आप देख सकते हैं ये हमारा। सिमिलरली हम इस तरफ से भी करेंगे, यहाँ पर भी हम ये जो है इस तरह से तो ऑलमोस्ट हमारा ये जो असेंबली है दिस असेंबली इज नाउ गोइंग टू कंप्लीट। अब ये जो लास्ट पार्ट रहा था ये आप देख सकते हो चार टायर्स उसके रहे थे, बहुत ही इजी है इनको असेंबल करना क्योंकि ये हमने लास्ट में लास्ट के लिए रखा था और आप ये देख सकते हैं तो ये चार टायर भी हमने इसके असेंबल कर दिए हैं और अब ये मूवेबल बन गया है पूरा आराम से। ये देखिए फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना ही ये उठाने में भी लाइट वेट है और ये हमारा आज का जो असेंबली कंप्लीट हो गई है हमारी ये इसकी क्लॉथ हैंगर हमारा, तो आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा लग रहा है ये और पूरा एडजस्टेबल है, यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं इसकी हाइट जितना भी आप चाह करना चाहते हो कम ज्यादा, तो ये बहुत ही सुंदर है। अब मैं आपको क्लॉथ लटका कर दिखाता हूँ इसमें कैसे लटका सकते हैं हैंगर से भी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम काफी कुछ इसमें लटका सकते हैं और काफी अच्छा है ये और इजीली मूवेबल भी है, देखिए मूव भी कर सकता है ये देखिए यही भी मूव कर सकता है और 30 kg तक जो ये वेट ले सकता है 30-30 kg तक और एडजस्टेबल भी है। तो फ्रेंड्स अंत तक इस वीडियो को मैं देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद जय हिंद जय भारत जय जय हिमाचल भारत।